मध्य प्रदेश के गुना की रोती तस्वीरें। किसान हितैषी होने का दंभ भरने वाली शिवराज सरकार से पूछ रही है कि ये कैसा राज है। गुना में बीते मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची पुलिस ने किसान दंपति की लाठियों से पिटाई की। इसके साथ ही किराए की जमीन पर खेती कर रहे किसान पति पत्नी ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर शिवराज सरकार की बुराई कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर जिशान अयूब ने भी मध्य प्रदेश के गुना में हुए इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बना लिया हमने देश को सुपर पावर। इसके साथ ही जिशान अयूब ने लिखा, शर्म करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अब बची ही नहीं है किसी में। गुना में दलित किसान दंपति के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरह से मारपीट की, इस मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दुखाने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस पति पत्नी को पीट रही है तो दूसरी ओर उनके बच्चे रो रहे हैं और अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश में है। विवाद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया और मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर एसपी आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत है। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो दो बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी। उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।